नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आईईएम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये स्पेसिफिकली हम लोग चैनल चला रहे हैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक करने के लिए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जिन लोगों को भी डर है, मन में कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो सारा दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी हमने बना के रखे हुए हैं, तो एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारे अपडेट्स मिलते रहे और आपको नॉलेज आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके बढ़ता रहे। अगर मैं आज के वीडियो की बात करता हूँ, तो आज वीडियो हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर कि सर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एजेंट्स बनना है, मैं कैसे एजेंट बन सकता हूँ और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है, किस तरह से बन सकता हूँ। मैं मानता हूँ सबसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ईजी एंटर करने का अगर जरिया कोई है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट बनना है, राइट। आप लोग इसमें कैसे बन सकते हैं, हम लोग बहुत इजी है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर मैं जो आपको छोटी एक्सरसाइज करने को बोल रहा हूं अभी, आपने उनका छोटी एक्सरसाइज दिल से पूरे की, राइट, तो आई एम गिविंग यू गारंटी आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट आने चालू हो जाएंगे। अब लोग क्या एक्सरसाइज है, राइट, आपके पहचान में कोई भी 10 लोग है जो छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, उनको सिर्फ आपको जाके बोलो, उतना ही बोलना है कि सर मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ भी काम हो तो मुझे बताइए, राइट। उसको सिर्फ इतना जाके बोलना है, उसको पूछना नहीं है मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं या नहीं करूं, उनको सिर्फ इतना ही बताना कि सर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, राइट, आपको कुछ भी काम हो आप तो मुझे बताइए। आई एम गिविंग यू गारंटी 10 में से 9 लोग आपको बोलेंगे यार मेरा भी एक्सपोर्ट करवा देना, मेरा भी इंपोर्ट करवा देना, दिस इज माई गारंटी, राइट। तो इट इज मोर इजियर टास्क टू स्टार्ट एंटरिंग इनटू बिजनेस। एजेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है बेसिकली कि उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, इन्वेस्टमेंट सारा सप्लायर या तो मैन्युफैक्चरर जो आपका होगा वो करने वाला है, राइट। तो मेरी गुजारिश है पहले ये जो मैंने छोटी सी एक्सरसाइज करने को बोली वो एक्सरसाइज करना चालू कीजिए, और उसके पहले बहुत ज़रूरी है आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना, राइट, कि एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका प्रॉपर सिस्टमेटिकली नॉलेज ले ली। हमारी चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं जिसके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होती है, किस तरह से काम कर सकते हो, उसका साथ दिया हुआ है, राइट। तो वो वीडियो देख के भी आप सीख सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सपोर्ट के साथ सीखना है, हमारा इंडिया के अलग कोने कोने के अंदर हमारे प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, क्या सिस्टम से करना, क्या प्रोसीजर फॉलो करके करना, वो भी आप सीख सकते हो। हमारा ऑनलाइन वर्जन भी है जहाँ पे आप जूम के द्वारा आप हमारे लाइव फैकल्टी के इंटरेक्शन आप भी कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो प्रोग्राम्स भी है कि जहाँ आपके लेजर टाइम के ऊपर भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली वो सिस्टम या प्रॉपर सिस्टम क्या चल रही है वो सीख ली, आई एम गिविंग यू गारंटी 10 में से 9 लोगों को आपको कंसल्टिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बोलोगे सर मुझे कोई असाइनमेंट कोई देगा, कैसे देगा, राइट, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी ग्राउंड वर्क करना। आगे वाले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुका हूँ, मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं वो सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज करने के बोला प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वो। उसके बाद समझो कि 9 में से 5 लोगों ने आपको बोला कि मुझे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके दो, राइट, तो उनको कहते नहीं है वो कि आप कैसे बेसिकली एक्सपोर्ट कर लोगे या ये प्रोडक्ट कर लो वो प्रोडक्ट कर लो, क्या प्रोडक्ट होती है, राइट, उनको पहले वो रिसर्च रिपोर्ट बना के देते हैं, एक छोटा सा रिसर्च रिपोर्ट बना के देते हैं कि उनका अपना कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, कौन से कंट्री में हो रहा है, कौन से बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, कौन से बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, गवर्नमेंट के उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या बेनिफिट है, उसका रिपोर्ट बनाते हैं वो लोग, चार्जिंग 25,000 रुपीज़ फ्रॉम देम, सिंपल बिजनेस है ये, राइट। पर आप बोलोगे सर मुझे तो करना आता नहीं है, इसीलिए हम प्रोग्राम के दौरान ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो एक बार प्रॉपर सीख लिया है तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसको बेसिकली डायरेक्टली कंसल्टिंग के बारे में मत बोलो, उसको सिर्फ इतना बोलो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करवा लो प्रॉपरली कि आपका प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग बायर का डेटा भी उसके अंदर आप दे सकते हो, राइट। ये ग्राउंड वर्क करने का उसको प्रेजेंट करो एक छोटा सा, राइट, कि सर ये आपका प्रोडक्ट यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये कंट्री है, यहाँ पर जा रहा है, इस क्वालिटी का जा रहा है, सारा 15-20 दिन के अंदर एक महीने का उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये उसका पहला ट्रस्ट जीतना है। क्या होता है मार्केट में कंसल्टेंसी करने वाले 500 लोग घूमते रहते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि कैंसा करना है, क्या करना है, सब लोगों को तो देते नहीं होंगे काम, राइट। आपको काम क्यों दे वो, क्योंकि वो देखेंगे आपका काम है, आपने देखा है, आपने जो प्रोडक्ट रिपोर्ट दिया है उनको उसके अंदर आपने प्रॉपर रिसर्च करके दिया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आपने ग्राउंड एक्टिविटी कर ली, वो आपका पहला ट्रस्ट आपके जो भी जिससे जिसका भी आपने कंसल्टिंग करना चालू किया उसके ऊपर जीता आपने। आप बोलोगे तो 25,000 मुझे कौन देगा, मत मांगो 25,000 रुपये, उसको लो कि 10,000 रुपये मैं पहले लेता हूँ, 15,000 आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करूँगा उसके बाद लूँगा। मैं गारंटी दूँ महीने के ऐसे 4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाओगे ना, राइट, तो भी आपको तकरीबन 1,00,000 रुपये आप आराम से महीने का कमा सकते हो। है कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे कर सकते हो ये, आपके लेजर टाइम के ऊपर घर पे बैठ के गूगल के ऊपर प्रॉपर सिस्टम समझ लिया, अपने समझ के उसका रिपोर्ट बना के सप्लाई करने के ऊपर, राइट, पहली चीज़ ये कर सकते हैं। उसके अलावा
आप एक बार ये हो जाने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसे कंसल्टेंसी चालू कर, उसकी प्रॉपरली वेबसाइट बना के दो उसको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इंडिया में सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि मेजोरिटी क्लाइंट्स जो होते हैं यार उनकी वेबसाइट नहीं होती, सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं होता है, गूगल पे एक्टिविटी नहीं होती, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं होता, उसको पहले उसको सपोर्ट दो कि वो करके उसकी इंक्वायरी जनरेट करने के लिए, क्योंकि बायर से बात करने से पहले ये ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक बार सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, वेबसाइट बना दी आपने उसकी प्रॉपरली, एक्टिविटी उसके ऊपर कर ली, उसके ऊपर बेसिकली उसको बोलो कि अभी इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी अटेंड करने के लिए भी एक्टिविटी दो। अब उसकी इंक्वायरी अटेंड करो, सैम्पलिंग करो, एक्टिविटी करो, जैसे वो सारा हो जाएगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करके देना है, तो वो भी डॉक्यूमेंट का भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कंसल्टेंसीज यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू डू आफ्टर दिस। यानी एक कंसल्टेंसी होगी तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की होगी, एक्सपोर्टिंग का लाइसेंस लेना है सब, RCMP रजिस्ट्रेशन करना, उसकी कंसल्टेंसी कर सकते हो। दूसरी आप उसके सोशल मीडिया की रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग करने की कंसल्टेंसी कर सकते हो। तीसरी बायर का ऑर्डर ला के देने की कंसल्टेंसी कर सकते हो। चौथी हो गई डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रोसीजर करके देने की कंसल्टेंसी कर सकते हो, राइट। यूजुअल केस में मार्केट की अगर बात करूँ तो 1% से लेकर 5% तक का कंसल्टेंसी में कमीशन चार्ज होता है। मिनिमम 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का पर शिपमेंट चार्ज करते हैं वो लोग, राइट। सो अगर आपको भी एजेंट बनना है, आप भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एंटर करना चाहते हो, ये सबसे इजी तरीका है। इसका बेनिफिट क्या है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर काम करोगे, आपका नॉलेज लोगे और रिस्क मिनिमल है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट भी मिनिमल है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपका सप्लायर होगा, आपका मैन्युफैक्चरर होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। और आपको बेसिकली सब उसकी जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर नॉलेज लेना है। जो हम एक्सपोर्ट साइकिल की बात करते हैं, एक्सपोर्ट साइकिल समझ के उसका इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर ला के देना है। अगर आपने ये प्रॉपरली काम कर दिया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे ईजी काम है। जो भी आप BBA या MBA करने के बाद जहाँ पर जॉब ढूंढते रहते हो, उसकी वजह अगर थोड़ा टाइम भी इसके ऊपर निकालोगे, और गूगल तो 24 घंटा चालू है, गूगल कभी अभी शायद आप जॉब भी कर रहे हो उसके साथ में साथ भी आप आपकी एजेंट बन सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, राइट। अब सेक्टर पकड़ो, उस सेक्टर के ऊपर काम करो, इंडस्ट्री फोकस करो, उसी इंडस्ट्री में स्पेशलाइजिंग करो, राइट। तो भी आप आपका कंसल्टेंसी का बिजनेस चालू कर सकते हो। आई एम श्योर आपको आपका नॉलेज मिला होगा, आपको और भी कुछ कंसल्टेंसी को लेके, एजेंट बनने को लेके कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं। आपको अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके प्रॉपर नॉलेज लेना है, सिस्टमेटिकली नॉलेज लेना है, हमारे जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुद कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे काउंसलर से एक बार बात कीजिए, एक बार प्रोग्राम इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आज कोई भी चीज़ नहीं करने जाते उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टम को समझ लेने का। एक बार आपने वो सिस्टम समझ लिया, आपने वो सिस्टम जान लिया, तो आप भी आपका एक्सपोर्ट दूसरे किसी आप भी करवा सकते हो और आपका खुद का भी तो कर ही सकते हो, राइट। सो मेरी गुजारिश है प्रॉपर सिस्टम समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी आपसे गुजारिश है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर इतनी सारी अपडेट्स मिलती रहे। बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग ये करते रहते हैं। अगर आप और डिटेल सपोर्ट चाहते हो, हमें ज्वाइन एक चैनल हमें चैनल आप ज्वाइन भी कर सकते हो, मतलब मेंबर भी बन सकते हो, जहाँ पे यूट्यूब मेंबर बन के हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं बीइंग अ मेंबर टू अस। आप ज्वाइन का बटन दिया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, आप क्लिक करके उसके ऊपर एक्टिविटी करके अलग टाइप की मेंबरशिप आप मेंबरशिप लेके भी आप आपका काम कर सकते हो। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्रॉपरली हमसे जुड़िए, हमारे मिशन के साथ जुड़िए और भारत का जो एक्सपोर्ट जो शायद लास्ट 400-500 साल के कारण नीचे चला गया, उसको वापस आगे बढ़ाने के लिए सहभागी बनिए। सो आइए हम सब मिलकर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए, भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।